शेंजन उन टॉप कंट्रीज की, टॉप 4 to 5 कंट्रीज की जिनकी वीजा रिजेक्शन रेशो सबसे ज्यादा हाई रही है पिछले 3-4 सालों का बड़ा डिफरेंस है तो वो है सर फ्रांस। फ्रांस ने सबसे ज्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट की हैं। इसके बाद अगर दूसरा किसी कंट्री का वो एक रिजेक्शन रेशो किसी कंट्री की सबसे ज्यादा हाई है तो वो है सर स्पेन। स्पेन ने सबसे ज्यादा रिजेक्शंस की हुई हैं और इसके बाद स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड इक्विवेलेंटली आप कह सकते हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन वाइज अगर एनालिसिस करते हैं तो ये चीज इंप्लीमेंट की जा सकती है पाकिस्तानी नेशनैलिटीज पे, पासपोर्ट पे, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है पहले की तरह हम लोगों ने ये वीडियो भी एक बहुत ही ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके बनाई है और इस वीडियो में काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर को आप लोगों के सामने रखा है, एक्सप्लेन किया है, स्पेशली उन फैक्ट्स एंड फिगर को, उन चीज़ों को जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे होते हैं। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आप अपने लिए एक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन सी कंट्री हमारे लिए सूटेबल कंट्री होती है जिसको हम हिट करें और वहाँ से हम लोग अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को अप्रूव करवाएं। इस वीडियो में भी मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स एंड फिगर को आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है और ये वाले जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं ये 2022 और 2020 के और पिछले 4-5 सालों के और उसके अलावा 2023 की टिल डेट तक के ये फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ये नंबर्स हैं जो कि आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। पर्टिकुलरली आपको पता है कि हम लोग शेंजन की बात करते हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली लोगों का एक ही इंटरेस्ट है, वो ये है कि जी हमने किसी भी तरह शेंजन वीज़ा लेना है, हमने यूरोपीय यूनियन में इंटर होना है, हमने किसी भी तरह से करके शेंजन स्टेट्स को एक्सप्लोर करना है, देखना है, टू सम हो कुछ ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं यूएसए में, कनाडा में, टू सम हो वहीं पे जाके सेटल्ड होना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, वहां पे देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने की वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। पर्टिकुलरली मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है फिर भी उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है और वो काफी सारे फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा शेंजन उन टॉप कंट्रीज की, टॉप 4 to 5 कंट्रीज की जिनकी वीजा रिजेक्शन रेशो सबसे ज्यादा हाई रही है पिछले 3-4 सालों में। हम सबसे पहले उस ट्रेंड को देखेंगे, उस ट्रेंड के बाद कुछ एडवाइस होगी मेरी तरफ से, पर्सनल ओपिनियन होगी आप लोगों को कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप किन चीजों का खास ख्याल रखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे इसको जरूर शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो के दौरान कोई क्वेश्चन आपको समझना है या कोई बात आप पूछना चाह रहे हो या कोई ऐसी इंक्वायरी या क्यूरी जो आप समझते हैं कि आप हाईलाइट करेंगे तो बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा, इसका बेनिफिट होगा, तो जरूर इसको हाईलाइट करें। और अगर आपकी कोई क्यूरी जर्नल है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करने की बजाय कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करें जर्नल है, और अगर कोई पर्सनल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कीजिएगा, सॉरी इंस्टाग्राम पे मैसेज शेयर कीजिएगा मुझे। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि सर कौन से वो 5 कंट्रीज हैं या 4 कंट्रीज हैं जिनकी रिजेक्शन सबसे ज़्यादा हाई रही है। सबसे पहले तो मैं आपको एक रिजेक्शन का चार्ट दिखाता हूँ, आप मेरी स्क्रीन पर एक चार्ट देखिएगा, ये डाटा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिजेक्शन की रेशो कुछ इस तरह से ट्रेंड कर रही थी कि 8.2 रिजेक्शन रेशो थी या 8.2 to 5 रिजेक्शन रेशो थी 2017 में। हम लोग अगर बात करते हैं तो मैंने पिछले 7 सालों का डाटा जो था उसको फिगराइज करके 5 से 6 साल के अंदर अंदर जो है ना वो आप लोगों के सामने रखा है ताकि आप उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देख सकें। 2017 में सर जो रिजेक्शन रेशो थी वो थी रिजेक्शन रेशो 8.2 की। मैं शेंजन रिजेक्शन रेशो की बात करूँ, ओवरऑल जो रिजेक्शन रेशो है मैं उसकी बात करूँ, किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन मैं पर्टिकुलर कंट्री की भी बात करूंगा इसके बाद जाके। फिलहाल मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं जो एक शेंजन जोन की रिजेक्शन रेशो थी वो थी 8.2। 8.2 इज अ क्वाइट नॉर्मल, मतलब कि 8.2 का मतलब है कि 100 लोगों ने अगर एप्लीकेशन सबमिट की हैं तो उसमें से 8 या 9 बंदों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई हैं। इट इज़ अ क्वाइट नॉर्मल, लेकिन इतनी ज़्यादा ये रिजेक्शन रेशो नहीं है। अब ये है 2017 में, 2018 में यही रिजेक्शन रेशो चली जाती है आपकी 9.6 के ऊपर, 2018 में 9.6 हो जाती है, 2019 में वो 9.9 पर चली जाती है। तब तक भी चीज़ें जो है ना वो स्टेबल थी। अब चूंकि कोविड स्टार्ट हो गया, कोविड के बाद जो है वो चीज़ें जो है ना वो ब्रेक होना शुरू हो गई, कोविड के जैसे ही कोविड का सीन जो है ना 2020 में क्लियर होता है तो जो रिजेक्शन रेशो है वो 9.9 से जंप करके डायरेक्टली 13.1 पे चली जाती है। 13.1 का मतलब है कि एक अच्छी खासी रिजेक्शन रेशो हो जाती है। अब 2021 में ये जो 13.1 का जंप है ना ये 2022 में चला जाता है 17 point something के ऊपर,
जो कि सर बहुत बड़ा जंप है। 17 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि 100 में से 17-18 लोगों की एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट की जा रही हैं। अब यही जो जंप है 17 पॉइंट समथिंग का, ये जंप जो है ये 2023 के फर्स्ट 4 मंथ जो क्वार्टर में कंसीडर किए जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें अगर देखा जाता है तो ये 17 पॉइंट समथिंग से जंप जो है ना ये स्टार्ट होता है और 21 पॉइंट समथिंग के ऊपर जाके ये वाला जंप जो है ये लगता है। इट मीन 21 पॉइंट समथिंग का मतलब है एक बहुत बड़ी रिजेक्शन रेशियो है सर। अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें से 21 प्लस लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। अब इस चार्ट में आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा रिजेक्ट एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कंट्री करने वाले वो कौन से कंट्रीज़ हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री की रिजेक्शन रेशियो है, इसमें देखिए दो लाइन्स है, एक लाइन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की है, दूसरी लाइन जो रिजेक्शन रेशियो की है वो आ रही है। जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो इन्होंने ब्लू में दिखाए हुए हैं, जो रिजेक्शन रेशियो है वो इन्होंने येलो में दिखाई हुई है। अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और नंबर ऑफ रिजेक्शंस में अगर आप देखते हैं सबसे ज्यादा किसी का बड़ा डिफरेंस है तो वो है सर फ्रांस। फ्रांस ने सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस रिजेक्ट की हैं। इसके बाद अगर दूसरा किसी कंट्री का वो एक रिजेक्शन रेशियो किसी कंट्री की सबसे ज्यादा हाई है तो वो है सर स्पेन। स्पेन ने सबसे ज्यादा रिजेक्शंस की हुई हैं और इसके बाद स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड इक्विवेलेंटली आप कह सकते हैं कि इन्होंने एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया हुआ है। अब यहां पर सर बात खत्म नहीं हो जाती। जब ट्विटर के ऊपर एक सर्वे किया गया और लोगों की क्वेंट्स को सुना गया और लोगों की क्यूरीज को सुना गया, इसमें से ऐसे स्ट्रांग प्रोफाइल वाले लोग भी थे कि जिनको गूगल्स ने इनविटेशन भेजा था किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, किसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए, और नीदरलैंड में, स्विट्जरलैंड में या स्पेन में उनमें से किसी डेस्टिनेशन के ऊपर ये वाले इवेंट्स हो रहे थे, जो काफ़ी सारे इवेंट्स आए, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की मैं बात नहीं कर रहा, तो वो एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसी प्रोफाइल्स भी आई लोगों की कि स्पेन में उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की, उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, वही एप्लीकेशन वही डॉक्यूमेंट आफ्टर 3 डेज के गैप के बाद उन्होंने जर्मनी में जाके की, जर्मनी ने उनको वीजा दे दिया। सर ये जो रिजेक्शन रेशो है ये बताती है कि वो कंट्रीज आपकी एप्लीकेशंस को इंटरटेन नहीं कर रहे थे। इसका ये मतलब है कि हर एम्बेसी का एक अपना कोटा होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वीजा इशू करने होते हैं। जब भी आप किसी एम्बेसी को हिट करते हैं उस एम्बेसी की स्ट्रेटजी देखा करें, उस एम्बेसी का डाटा देखा करें, उस एम्बेसी के फैक्ट्स एंड फिगर को देखा करें, फिर एप्लीकेशन को हिट किया करें, विदाउट सोचे समझे किसी चीज की वर्किंग किए बगैर कि उसको वीजा मिल गया है मुझे भी वीजा मिल जाएगा। सर ऐसा नहीं होता। हो सकता है उसकी बहुत अच्छी प्रोफाइल हो, उसकी बहुत अच्छी लक हो, एक टाइम अच्छा हो जिसके ऊपर उसको वीजा मिल चुका है, लेकिन ऐसा सब लोगों के साथ नहीं होता। जो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं ये जर्नल होती हैं, ये सब लोगों के लिए होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं होती। और इसकी कंट्री वाइज अगर एनालिसिस करते हैं तो ये चीज इंप्लीमेंट की जा सकती है पाकिस्तानी नेशनैलिटीज पे, पासपोर्ट पे, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और हमारे जीसीसी में इन्हीं नेशनलिटीज़ के जो लोग बैठे हैं उन सब के ऊपर ये चीज़ इंप्लीमेंटेड है। ये ओवरऑल मैंने आपको एक नंबर्स दिखाए हैं, फिगर्स बताई हैं। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं शेंजन वीज़ा के लिए, फ्रांस की एम्बेसी, स्पेन की एम्बेसी, पर्टिकुलरली इन दो एम्बेसीज का हाथ ख्याल रखें। आई विल सजेस्ट यू, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, अवॉइड करें इन दो एम्बेसीज को। इसके अलावा आपके पास पूरे शेंजन जोन में 25-26 कंट्रीज ओपन है। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग विला के साथ। अगली वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ टॉप 10 कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वीजा दिए हैं। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग विला के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।